स्टूडेंट्स, माय नेम इज साक्षी। आज हम लोग स्क्वायर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं। स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर हमारा जो है, इसको हम लोग हिंदी में वर्ग बोलते हैं। वर्ग एक ऐसी ज्यामिति आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके चारों अंताकोण समकोण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं और ये इसके जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके फॉर्मूले को जानेंगे। अब चलिए वर्ग के परिमाप को देख लेते हैं। वर्ग का परिमाप जो होता है, परिमाप किसी भी आकृति का हो उसकी सारी भुजाओं का योग होता है, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे वो षटभुज हो, चाहे वो बहुभुज हो, कोई भी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके चारों भुजाओं को जोड़ते हैं। तो इसकी एक भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है। तो हमने अभी आप लोग को बताया कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब ये 1 सेंटीमीटर है तो बाकी भी सारे 1 सेंटीमीटर ही होंगे। तो चारों को हम लोग चलिए जोड़ देते हैं। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना हो गया हमारा 4a। तो जो ये a है ये हमारी भुजा है। तो हम लोग अगर वैसे परिमाप इसका लिखना चाहें तो परिमाप इसका हो जाएगा हमारा 4 × भुजा। चलिए हम लोग क्षेत्रफल के बारे में अब जान लेते हैं। क्षेत्रफल इसका होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा का स्क्वायर आता कैसे है, ये जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में आयत की वीडियो में बताया था कि हम लोग इसके दो इसमें विकर्ण खींच लेते हैं और दो त्रिभुज के हिसाब से इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लगा के इसके आधार और ऊंचाई रख के हम लोग इसको सॉल्व करके हमने आयत का फॉर्मूला निकाला था। उसी तरह से हम लोग वर्ग का फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं, वैसे ही करते हैं। और वर्ग भुजा स्क्वायर को हम लोग भुजा गुणे भुजा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विकर्ण। चलिए विकर्ण देख लेते हैं कैसे आएगा। विकर्ण निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। जैसे कि हमने अगर ये हमारा ये मान लीजिए ये हमारा कर्ण है और ये हमारा एक त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज पर लग रहा है हमको देखने में। तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार हमारा a है तो इसका स्क्वायर, और लंब जो है वो भी a है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो कर्ण बराबर हो जाएगा, ये हमारा 2a² हो जाएगा। तो कर्ण बराबर, जब इधर का स्क्वायर हटता है तो उस तरफ अंडर रूट लग जाता है, तो अंडर रूट 2a². तो ए स्क्वायर है तो जब हम रूट हटाएंगे तो ए बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 2। तो हमारे विकर्ण का फॉर्मूला इसका होता है, जो ए है वो हमारी भुजा है तो भुजा रूट 2। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, विकर्ण का। ये हो गया हमारा विकर्ण का फॉर्मूला, ये है हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला और ये है हमारे परिमाप का फॉर्मूला। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। चलिए अपना एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 8 मीटर है। तो चलिए सबसे पहले वर्ग की भुजा हम लोग लिख लेंगे। वर्ग की भुजा बराबर 8 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा। तो हमारा हो जाएगा 8 × 8 = 64 m². आंसर हमारा आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल (64 m² है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेंगे अपना। चलिए अपना नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल समान है। वर्ग की एक भुजा 40 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई 25 सेंटीमीटर हो, तो लंबाई ज्ञात कीजिए और आयत का परिमाप भी ज्ञात कीजिए।
तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ग की भुजा हमको दी है, तो हम अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आयत का क्षेत्रफल भी हमको पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल, पहले वर्ग की भुजा लिख लेते हैं कितनी है। भुजा बराबर 40 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा का स्क्वायर, तो 40 × 40 बराबर आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1600, यानी कि 1600 वर्ग सेंटीमीटर। अब उसने हमको बताया है कि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। ये हो गया। तो जब इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो जब वर्ग का क्षेत्रफल 1600 वर्ग सेंटीमीटर आया है, तो आयत का क्षेत्रफल भी उतना ही आएगा। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 1600 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोगों को क्या निकालना है, आयत की चौड़ाई दी है उसने हमको, चौड़ाई क्या दी है 25 सेंटीमीटर, तो लंबाई निकालनी है। तो लंबाई का फॉर्मूला हमारा होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल है हमारा 1600 और चौड़ाई है हमारी 25। तो जब हम इसका भाग करेंगे 6 times आएगा, और इसमें 64 आएगा डिवाइड करने पे, हमारी कितनी आ गई लंबाई इसकी 64 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब हम लोग को क्या निकालना है, इसमें आयत का परिमाप निकालना है। चलिए आयत का परिमाप देख लेते हैं। हमें चौड़ाई दी थी उसने और लंबाई अभी हमने निकाली है, तो निकालने पे हमारा आया 64 सेंटीमीटर। अब हम लोग परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे 2 × लंबाई + चौड़ाई। तो 2 लंबाई है हमारी 64 और चौड़ाई है हमारी 25। इसको प्लस करेंगे तो 549628। अब हम इसको जब ब्रैकेट हटाएंगे तो बीच में मल्टीप्लाई आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 178। क्या आ गया हमारा सेंटीमीटर। क्या है ये हमारा परिमाप। तो आंसर हमारा आ जाएगा आयत का परिमाप 178 सेंटीमीटर है। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये हमारा टॉपिक यहाँ से फिनिश हो गया। अब